हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम धीरज तिवारी, आप सभी को स्वागत है जे हो फैंटेसी चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं ड्रीम इलेवन नेचर IHLE T10 लीग के बारे में। दोस्तों, तो ये मैच किस किस के बीच में खेला जा रहा है, सारी सारी सनराइजर्स वर्सेस बारी है टू वारियर्स के बीच में मैच खेला जा रहा है। अगर दोस्तों ये मैच के बारे में बात करें तो फ्रेंड्स, ये मैच स्टार्ट होने में लगभग 14 घंटे 7 मिनट बचे। तो पहले मैं आपको तीन चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूँ दोस्तों। तो वह रहेगा पिच के बारे में, पिच रिपोर्ट दोस्तों, आपको एवरेज स्कोर के बारे में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये तीनों चीज आपको जानना, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा दोस्तों, क्योंकि तीनों चीज आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। तो मैं पहले आपको पिच के बारे में बता देता हूँ। तो ये पिच आपको बैलेंस्ड रहेगा दोस्तों, कोई भी टीम आपको टॉस जीता है तो बैटिंग का फैसला करेगा। और पिच रिपोर्ट की बारे में बात की तो स्पिनरों को सपोर्ट करेगा। एवरेज स्कोर की बारे में बात की तो 99 और 102 के बीच में स्कोर बनेगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, यही एवरेज स्कोर के बारे में। और उसके साथ ही साथ आपको ये भी कर लेना होगा कि मैं टेलीग्राम चैनल में भी ज्वाइन कर लेना होगा। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो फ्रेंड्स, मैं क्योंकि बोल रहा हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन करना है, तो आपको कोई मेरा फाइनल टीम चाहिए होगा तो मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों। इसीलिए मैं टेलीग्राम चैनल में आपको ज्वाइन कर लेना होगा। तो टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। अगर बाय मिस्टेक अगर डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन हो तो आपको सीधा टेलीग्राम में जाके आपको सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों। सर्च ऑप्शन में इस तरह आपको सर्च करना होगा @JHOFANTASY करके। तो फ्रेंड्स, मैं इधर सर्च कर रहा हूँ। सर्च करने के बाद आपको तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। और आपको 1198 सब्सक्राइबर जिसमें दिखाई दे रहे उसी में आपको ज्वाइन करना, और बाकी के अकाउंट्स को आपको अवार्ड दोस्तों। लेकिन उससे पहले आपको सही तरह से सर्च करना होगा, जिस तरह मैं कर रहा हूँ @JHOFANTASY करके। उस तरह सर्च करने के बाद आपको जो 1198 सब्सक्राइबर दिखाई दे रहे हैं उसमें आपको ज्वाइन करने के प्रॉफिट में बारे में बता दूंगा। लेकिन उस कुछ यूजर्स यह भी कर रहे हैं कि भूल से दोनों अकाउंट में ज्वाइन हो जा रहे हैं दोस्तों। दोनों अकाउंट्स में ज्वाइन होने के बाद वो फेक अकाउंट से दोस्तों आपको फेक टीम दे रहे हैं, तो फेक टीम आपको फॉलो करने के बाद आप लॉस हो जा रहे हैं। लॉस होने के बाद आप सीधा सोच रहे हैं कि मैं टेलीग्राम चैनल आपको लॉस करवा दिया। तो दोस्तों, वाकई में नहीं हो रहा, लेकिन मैं कुछ यूजर्स ज्वाइन हो चुके हैं तो तुरंत लेफ्ट हो दोस्तों। आप मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो मैं प्रॉफिट के बारे में बता देता हूं। तो अभी तक आप कितने लॉसेस में, भले वो मैं नहीं जानता, लेकिन मेरे टेलीग्राम चैनल में जुड़े रहेंगे तो अभी तक आप कितने लॉसेस में, सब मेरे टेलीग्राम चैनल आपको कवर करवा देगा। तो दोस्तों, मैं वीडियो को लंबा भी नहीं करना चाहता हूं, तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग विकेट कीपर को पिक कर लेंगे दोस्तों, साथ ही साथ बैट्समैनों को पिक कर लेंगे, और उसके साथ ही साथ ऑलराउंडरों को पिक करेंगे, और उसके साथ ही साथ बॉलरों को पिक कर लेंगे। तो कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक कर लेते हैं दोस्तों। पहले इन 11 प्लेयर के आपको स्टार्ट्स के बारे में बता दे दूंगा, साथ ही साथ आपको कप्तान और वाइस कैप्टन के बारे में भी कर दूंगा, और आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सारा चीज़ आपको जानना, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहले आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा, और दूसरा थिंग है कि आपको वीडियो को एंड तक बने रहना है, और थिंग आपको मैं इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम बता दूंगा और कैप्टन और वाइस कैप्टन का बारे में बता दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये सारे चीज आपको जानना, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना होगा। तो चलिए लेट नहीं करते हैं, वीडियो को भी स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले हम लोग विकेट कीपर में पिक कर लेते हैं दोस्तों। तो पहले हम लोग विकेट कीपर में पिक करते हैं जेरविन जैन बेंजामिन को पिक करते हैं दोस्तों। पहले विकेट कीपर में एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विकेट कीपर होंगे। और साथ ही साथ बैट्समैनों की बार हम बात किए तो फ्रेंड्स, पहले बैट्समैन हम लोग पिक कर लेते हैं जूनियर हेनरी को पिक करते हैं पहले बैट्समैन में, एक इंपॉर्टेंट बैट्समैन है। और मेरविन माइचम को पिक करते हैं दूसरे बैट्समैन में, और उसके साथ साथ के जूनियर लिविस को पिक कर लेते हैं तीसरे बैट्समैन में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, ये तीनों बैट्समैन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे। और ऑलराउंडर की बारे में बात किए तो फ्रेंड्स, पहले ऑलराउंडर में पिक करते हैं गिलियन टाइसन को पिक करते हैं दोस्तों पहले ऑलराउंडर में, और उसके साथ साथ केंटनी अंसलम को पिक करते हैं दूसरे ऑलराउंडर में, और जोसन पैरिस को पिक कर लेते हैं तीसरे ऑलराउंडर में दोस्तों। तो फ्रेंड्स, कमाल के तीनों ऑलराउंडर्स हैं। और उसके साथ ही साथ बॉलरों के बारे में बात किए तो पहले बॉलर हम लोग पिक कर लेते हैं जे जोसफ को, और उसके साथ ही साथ एलविसन जोली को पिक करते हैं दोस्तों दूसरे ऑलराउंडर में, बॉलर में रेड हेड निकलस को पिक करते हैं तीसरे बॉलर में, और केमिया स्ट्रेनर को पिक कर लेते हैं चौथे बॉलर में। तो दोस्तों, कुल मिला के इन 11 चारों बॉलर्स की अगर बारे में बात की तो ना, चारों बॉलर्स आपको कमाल के बॉलिंग करते हैं। और उसके साथ ही साथ हम 11 प्लेयर के स्टार्ट्स के बारे में बता देता हूँ। तो पहले हम लोग विकेट कीपर में पिक करते हैं जेरविन जैन बेंजामिन को पिक किए, तो इन प्लेयर की स्टार्ट के बारे में बात करते हैं, लास्ट में 57 रन बनाए थे दोस्तों सिर्फ 23 गेंद में। तो फ्रेंड्स, मैं पहले भी बता चुके हैं कमाल के बैट्समैन है, तो विकेट कीपिंग तो लाजवाब है, बैटिंग तो कमाल का है। और उसके साथ ही साथ बैट्समैनों के बारे में बात किए तो फ्रेंड्स, पहले बैट्समैन हम लोग पिक करते हैं जैन हेनरी को भी हम लोग पिक किए दोस्तों। अगर दोस्तों जूनियर हेनरी की बारे
में बात करूँ तो लास्ट में 17 रन बना पाए थे तो 12 गेंद खेल के, लेकिन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे। और उसके साथ साथ मरविन मेहता को हम लोग पिक करते हैं दूसरे ऑलराउंडर बॉलर में, सॉरी फर्स्ट बैट्समैन में, तो 29 रन बनाए थे 13 गेंद खेल के। और उसके साथ साथ के जी ने लेविस को पिक करते हैं तो लास्ट गेंद में पहली गेंद पर आउट हो गए, लेकिन आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बैट्समैन हो गए। और उसके साथ साथ ऑलराउंडर के बारे में बात करें तो पहले ऑलराउंडर में हम लोग पिक करते हैं जी टाइसन को, तो दोस्तों 2 ओवर डाल के 1 विकेट मिला था, तो बैटिंग का मौका नहीं मिला दोस्तों, क्योंकि 60 बॉल का मैच है तो T10 खेला जाता है तो हर प्लेयर का मौका नहीं मिलता। और कंटिन्यू हंसलम की बारे में बात करें 2 ओवर डाले थे दोस्तों, 1 विकेट मिला था। और जोन पेरिस की बारे में बात करें 8 रन बनाए थे दोस्तों, 12 गेंद खेल कर 2 ओवर डाल के 1 सफलता था दोस्तों। तो फिर 3 ऑलराउंडर्स आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होंगे इस प्ले ए मैच के लिए। और बॉलरों के बारे में बात की तो पहले बॉलर में आते जोसफ, तो लास्ट मैच में कोई बॉलिंग का मौका नहीं। और उसके साथ से एलविशन टोली की जॉली की बारे में बात की तो 2 ओवर डाल के 1 विकेट मिला था। रेड हेड निकलस की बारे में बात की 2 ओवर डाल के कोई सफलता नहीं है। और किमा शुअन की बारे में बात करूँ 2 ओवर डाल के 1 सफलता दोस्तों। तो फ्रेंड्स अगर ये चारों बॉलर्स के बारे में बात करें, चारों बॉलर सबको कमाल के बॉलर होंगे, तो फ्रेंड्स ये चारों बॉलर्स के साथ आपको जाने से प्रॉफिट रहेगा। और उसके साथ ही साथ 11 प्लेयर के स्टार्ट के बारे में बता दियो, और आपको कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर दोस्तों पहले कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं तो आप जर्मन विकेट कीपर को ट्राई कर सकते हैं, बेंजामिन को एक कमाल के विकेट कीपर बैट्समैन होंगे, और जूनियर हेनरी को आप वाइस कैप्टन में ट्राई कर सकते हैं। तो फिर मैं कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको परफेक्ट प्लेयर्स का नाम बता रहा हूं, और आपको सिर्फ फॉलो करना है दोस्तों। फॉलो करने के बाद आप खुद आपको पता चल जाएगा, क्योंकि मैं एक परफेक्ट टीम देता हूं दोस्तों आपको, परफेक्ट टीम आपको सिर्फ फॉलो करना है, फॉलो करने के बाद आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और उसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको जो टीम दे रहा हूँ, आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मेरे टीम को देख लीजिए। पहले हम लोग विकेट कीपर के बारे में बात करें, हम लोग एक विकेट कीपर को पिक किए हैं, तो जे बेंजामिन को पिक किए हैं पहले विकेट कीपर बैट्समैन में। तो कप्तान में हम लोग भी पिक किए हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट विकेट कीपर बैट्समैन होंगे। और बैट्समैनों के बारे में बात करें तो हम लोग 3 बैट्समैन को पिक किए हैं, तो जे हेनरी है, एम मैथ्यूज है, के जूनियर लेविस को पिक किए हैं, तो 3 बैट्समैन है। और बॉलरों की बारे ऑलराउंडर की बारे में बात की तरह हम लोग 3 ऑलराउंडर्स को पिक किए, तो जे टाइसन है, के अंसलम है दोस्तों, जे पेरिस को पिक किए हैं, तो 3 ऑलराउंडर्स। और बॉलरों की बारे में बात की तरफ हम लोग 4 बॉलर्स को पिक किए, तो आर निकलस को पिक किए, जे जोसफ को पिक किए दोस्तों, और ये जोली को, और के स्टर्नर को पिक किए। तो कुल मिलाकर हम लोग 11 प्लेयर को पिक किए दोस्तों। 11 प्लेयर के आपको स्टार्ट्स के बारे में बता दियो, कैप्टन और वाइस कैप्टन के बारे में भी एक्सप्लेन कर दिया, और उसके साथ ही साथ आपको इंपॉर्टेंट प्लेयर्स का नाम भी बता दिया दोस्तों। 3 ऑलराउंडर सबको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन उससे पहले आपको ये भी करना ही सोचना है कि मेरा कोई फाइनल टीम है दोस्तों। फाइनल टीम आपको मेरे टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। तो फ्रेंड्स मैं पहले बता चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन से लिंक ओपन होता है, तो आपको सीधा टेलीग्राम में जाके इस तरह आपको सर्च ऑप्शन दिख रहा होगा दोस्तों, सर्च ऑप्शन में इस तरह सर्च करने के बाद आपको तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा, जो आपको 1198 सब्सक्राइबर दिखाए दे, उसी में आपको ज्वाइन करना है, और बाकी 2 अकाउंट्स को आपको अवॉइड, और आपको जो 1198 सब्सक्राइबर दिखाए दे, उसमें आपको इस तरह क्लिक करते तुरंत मेरे टेलीग्राम चैनल आपको शो हो जाएगा। तो दोस्तों मैं फाइनल टीम इस हर मैचेस का इसी तरह प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको भी फाइनल टीम इस तरह मिल जाएगा। और दोस्तों मैं फाइनल टीम के नीचे मैं एक लिंक भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, तो आपको क्रिकेट का फाइनल टीम इसी तरह मिल जाएगा। और जो मैं आपको लिंक फॉरवर्ड कर रहा हूँ दोस्तों, ये लिंक रहेगा विजन 11 का, तो विजन 11 के बारे में आप लोग सब जानते हैं दोस्तों, कमाल का लिंक है। तो दोस्तों मैं इसमें मनी जीली अर्न करता हूँ, तो आपको भी बता रहा हूँ दोस्तों, आपको मनी जीली अर्न करना है तो विजन 11 में भी खेलना है, तो विजन 11 का लिंक यही है दोस्तों, इसमें आपको डाउनलोड करके खेलना होगा। अगर दोस्तों आपको प्रॉफिट के बारे में बात की, तो प्रॉफिट का अगर बारे में बात किया है, तो फ्रेंड अब प्रॉफिट के बारे में मैं बता देता हूँ, प्रॉफिट किसमें अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों कुबेरा, तो कुबेरा की खासियत यह है कि दोस्तों आप 10 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो आपको सीधा 30 रुपये मिलेगा, तो दोस्तों 20 रुपये का प्रॉफिट होता है कुबेरा में। तो दोस्तों आप जितना 50 रुपये इन्वेस्ट करेंगे तो सीधा आपको 80 रुपये मिलेगा दोस्तों, तो 30-30 रुपये का प्रॉफिट रहता है, तो यही है कुबेरा का खासियत। और उसके साथ ही साथ मैं आपको इसी तरह फाइनल टीम दे दूंगा, तो आपको भी फाइनल टीम इस तरह मिल जाएगा। और उसके साथ ही साथ आपको जो मैं टीम दे रहा हूँ किस किस में ट्राई कर सकते हैं, तो आप ये 3 स्पॉट 4 स्पॉट 5 स्पॉट, और उसके साथ साथ हेड टू हेड में ट्राई करेंगे। मैं 100% आपको मैं बता रहा हूँ आप जीतेंगे दोस्तों। और उसके साथ साथ मैं वीडियो के इंपॉर्टेंट कर देता हूँ, आपको वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना फ्रेंड्स। थैंक यू।